आज रात का खाना पीना सब कुछ जो है दोस्तों वो इसी इग्लू में होने वाला है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी दोस्तों लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और आज का ये जो व्लॉग है मैं लगभग शाम के 6 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बोलेंगे भाई शाम के 6 बजे क्यों, क्योंकि लास्ट वीडियो में भाई आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए थे कि रवि भाई एक रात जो वो इग्लू में बिता के दिखाओ। तो हमारा इग्लू ना भाई आज बहुत खतरे में है, क्योंकि देखो आसमान को कि वहां से बर्फ निकल निकल के इधर पे पड़ रही है। तो मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ये है कि मान के चलो अगर मैं कल की वेट करूँ ना इग्लू की, हो सकता है कि भाई कल को मेरा इग्लू गिर जाए। इवन कल कोई नहीं, पूरे चांसेस ये भी हो सकते हैं कि शायद आज रात को ही गिर जाए। खैर दोस्तों आप लोग दुआ करिएगा कि आज रात को मेरे ऊपर तो ना गिरे इग्लू। और बाकी भाई आप लोगों के लिए हल्के फुल्के रिस्क लेता रहता हूँ, वैसे इग्लू के नीचे कोई उतना खतरा तो नहीं है। हाँ भाई हड्डी पसली टूटने का जरूर है, मुझे पता नहीं बर्फ का, जैसे आप पीछे देख सकते हैं वो इतना बड़ा ढेर अगर ऊपर गिरे रात को तो क्या होगा क्या नहीं। शायद ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, बोलते हैं ना अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा, बस कुछ इस तरह से मैं भी सोच रहा हूँ। तो ये रहा हमारा इग्लू। फिलहाल आप लोगों को पता है कि यहाँ से घर जो वो भी ज्यादा दूर है नहीं, घर भी पास में ही है। तो ऐसे में क्या करूंगा, मैं सारे के सारे जो बर्तन है वो घर से लेके आऊंगा, क्योंकि आज रात का खाना पीना सब कुछ जो है दोस्तों वो इसी इग्लू में होने वाला है। सही बताओ तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि रात काट के कैसा लगता है। तो खैर अभी फटाफट मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो बर्तन उठा के ले आता हूँ, क्योंकि दोस्तों रात जो वो होने को आई है। तो ऐसे मैंने सोचा वन नाइट स्पेंड का अगर व्लॉग बनाना है तो इसको रात को ही शुरू करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम टाइम तो यही हो जाता कि मैं अगर दिन को व्लॉग बना देता तो भाई पूरा दिन, अरे देखो ऐसी ऐसी हालत है वो भाई, फिर से चलो खैर ब्लॉगिंग करते करते भाई हड्डी पसली ना टूट जाए। घर पहुंचता हूं और अपना सामान लेके आता हूं सारा का सारा। तो दोस्तों फाइनली अभी मैंने सारा का सारा सामान जो वो यहां पे पहुंचा दिया है और फिलहाल मैं अभी कर रहा हूं अपना बिस्तर सेट। और बिस्तर में नीचे मैंने एक ऐसे करके गद्दा लगा दिया है, मैट भी ऊपर से आ गया है और नीचे यहाँ पे ये पॉलीथीन लगाया है। हल्की सी यहाँ पे प्रॉब्लम जो वो कंटिन्यू आ रही है, यहाँ ऊपर से ना ये देखो पानी हल्का हल्का टिच 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 करके पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला ये बर्फ जो जैसा कि मैंने आपको बोला कि काफी ज्यादा गल रही है। तो यार ये जो है ना आप देख सकते है ये कहीं पूरा का पूरा एक बर्फ का ही है। रात को यार सोते हुए ऊपर ना पड़े, वैसे तो टेंशन मुझे बहुत हो रही है। चलो खैर ये भी आ गया, पिल्लो भी आ गई, रजाई वगैरह सारा का सारा सामान मैं लेके आया हूँ। और खाली इतना ही नहीं है दोस्तों कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाइट स्पेंड करनी है, इवन यहाँ पे मुझे अपना खाना पीना जो वो भी यहीं पे करना है। तो अभी तो व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ी सी अच्छी फीलिंग लेने के लिए जो है वो इस वाले टेबल को यहाँ पे रख दिया था, ठीक है। और खाने के लिए मैं यहाँ पे मैगी के पैकेट लेके आया हूँ और मैगी के पैकेट मैं 4 लेके आया हूँ, हालांकि 4 मेरे से खाए नहीं जाएंगे, 2 अंडे है। मैंने कहा चलो कोई नहीं सुबह देख लेंगे, अगर ना हो पाया तो ब्रेकफास्ट भी यहीं पे कर लेंगे। अभी बिस्तर तो फिलहाल सेट हो चुका है, अभी यार फिलहाल कुछ इसका मैं कर लेता हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ से हिला रहा हूँ तो यहाँ को जा रहा है ये, चलो इसका कुछ जुगाड़ करता हूँ, फिर जो है दोस्तों वो कुछ लगाता हूँ खाने पीने का जुगाड़। दोस्तों सारी की सारी चीजें अंदर तो हो गई कंप्लीट, सिर्फ एक चीज की कमी थी और वो कमी थी इस इलेक्ट्रिकल बल्ब की। ये देखो चार्जिंग वाला बल्ब, ये मेरा बहुत साथ देता है यार, ये बल्ब को प्रॉब्लम आ रही है घुसाते हुए। जल जा मेरे भाई जल जा यार, क्या दिक्कत दे रहा है, ये तो जलने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, क्या करें। देखो मेरे बिस्तर के ऊपर फिर से बर्फ गिर गई, इग्लू में रात। तो ये देखो फाइनली मेरा प्यारा प्यारा बिस्तर यहाँ पे हो चुका है रेडी, और सच बताओ तो काफी अच्छा लग रहा है देखने को। ताकि इसके ऊपर एक कंबल और बिछाऊंगा, ये बर्फ बुर्फ जो थोड़ी थोड़ी पड़ी है ना इसको हटा के, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर थोड़ा भी टच कर रहा हूँ तो हल्की हल्की बर्फ जो इसके ऊपर ये गिर रही है। खैर दोस्तों अभी कुछ करते हैं खाने पीने का। बल्ब आप देख सकते हैं, बल्ब भी हमारा जल चुका है। व्हाइट लाइट दोस्तों मतलब क्या ही कमाल दिखती है इग्लू के अंदर से। ऐसा नहीं है कि अभी मैं इग्लू के पास बिल्कुल ही अकेला खड़ा हूँ, रजत भाई भी यहाँ पे साथ देने वाला है। क्या बोलते हो रजत, मैं भी चले जाऊंगा भाई, क्यों मैं रुकने वाला, हालात कुछ मेरे को खतरनाक ही लग रहे हैं। नहीं यार ऐसा क्या है, मैं चले जाऊंगा भाई, मैं दो लेके आया सराने यार, तो क्या मैं रूम में थोड़ा जाके, सच में नहीं कर पाओगे सर भाई, कोशिश करूंगा बट ज्यादातर चांसेस है कि मैं रात को उठ के चला जाऊंगा। चलो देखते हैं, खैर अभी फिलहाल ये करना पड़ेगा, मैं तुम्हें भेज ही दूंगा यार, भेज क्यों दूंगा, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो रजत तो भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम बर्फ में आया है, तो ऐसे तो इग्लू अंदर से गर्म है, लेकिन मैं नहीं चाहता। आप ऊपर देखो कितने कितने इन्होंने बड़े बड़े वो रखे हुए हैं मतलब बनाते टाइम पे, तो ये रात को ऊपर गिरे या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो मुश्किल हो जाता है। खैर रजत को भेज देंगे, रजत हैप्पी, ठीक है। चलो अभी खाने पीने का कुछ जुगाड़ करते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प तो करवा दोगे ना भाई अभी। और हमें यहाँ पे पता चला है कि हम दो ही नहीं, यहाँ पे मेरा तीसरा बच्चा भी आ गया है। ब्रो नहीं बेटा, तेरे को कैसे पता आज मैं यहाँ पे हूँ, ओए तेरे को, अच्छा भाई ये उसको देख के आया लगता है, पता है रजत वो जो हम कढ़ाई लेके आए है ना,
इसको लगा कि ये कहीं चिकन वकन बनाने जा रहे हैं तो इस चक्कर में ये आ गया मेरे को लगता है। तू तो कभी नहीं आता था ऐसे, कैसे आ गया? बोलेगा नहीं मेरे को, कैसे आ गया इधर? नहीं बोलेगा, हेलो कर दे, चल शेक हैंड कर दे इस बात पे, शेक हैंड, शाबाश मेरे बेटा, बैठा रहा इधर पे, चलिए कुछ बनाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अपना चूल्हा बना लो ताकि रात में जब भी मुझे इग्लू से भी अगर निकलना होगा तो ऐसे में चूल्हा बाहर ही सही रहेगा। बस ध्यान मुझे इस चीज का देना होगा कि इसकी गर्मी की वजह से कहीं इग्लू ना ढह जाए। भाई आई होप कि मेरे लिए इतना सा चूल्हा जो वो परफेक्ट रहेगा। अभी दोस्तों सब्जी काटते काटते मुझे एक चीज की याद आई कि मैं भूल गया दो चीजें। एक का जुगाड़ तो मैंने ये लगा लिया, इसके ऊपर मैंने सोचा सब्जी सारी की सारी काट दूंगा, लेकिन दूसरा जुगाड़ जो है वो है पानी। तो वो भी आपको पता है बर्फ तो बड़ी पड़ी है। बस सोच के रखा है मैंने कि मैं तो घर नहीं जाने वाला भाई, अभी फटाफट से पहले तो सब्जी काट लेते हैं क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, ये टमाटर वगैरह इतने ठंडे है ना, मेरे हाथ इससे ही ठंडे हो जा रहे हैं। मेरे सबसे पहले मुझे आग जलानी चाहिए थी, लकड़ियां भी थोड़ी सी कम है, फिर रात को लेने जाना पड़ेगा तो ऐसा मैं चाहता नहीं। खैर अभी फटाफट सब्जी काट लेते हैं। पहाड़ों में दोस्तों सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है आग जलाना, और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो आग है वो जल चुकी है। आग जल गई तो मतलब आप कहीं भी रहते हैं, इग्लू में ट्रैकिंग करने जाते हैं तो आपकी जान बचने के ज्यादा चांसेस है। ऐसे ज्यादा मैं मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह आपको समझाऊंगा नहीं, बस इतना ही बोलूंगा कि ये जो लकड़ी है ना भाई, कितनी ज्यादा जंग पकड़ चुकी है। नीचे आप देखो बर्फ है पूरी की पूरी। इस टेम्परेचर में आग जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आप यहाँ पे रहते हो फिर नहीं। आग तो दोस्तों जल गई, लेकिन आग जलने के बाद भी ना एक चीज और कमी रह गई थी कि लहसुन को कैसे पीसूं। लहसुन के लिए खैर ये जुगाड़ हो गया है और अब बार बार मन कर रहा है कि मैं आग के पास बैठूं। अब ये आप इसे मैगी का मसाला बोल लो या फिर मेरे लिए सूप का मसाला बोल लो, लेकिन ये तैयार हो चुका है। तो पानी तो है नहीं, पानी के लिए हम कहीं जाते हैं, अच्छी सी बर्फ ढूंढते हैं। खैर दोस्तों इसमें सारी की सारी बर्फ हम डाल लेते हैं ठूस ठूस के, कि होता क्या है ना कि जब हम बाद में बर्फ मतलब कि ये गलेगी तो देखना ये कितनी सी रह जाएगी। अभी तो आपको लग रहा होगा। तो कुल मिला के आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मैगी है हमारी, ये भाई नॉर्मल मैगी नहीं बन रही, ये बन रही है स्नो वाली मैगी। लो जी हमारी कढ़ाई तो पहुंच गई। अब एक चीज है कि फूंक देनी पड़ेगी मुझे पूरी रात जब तक ये खाना बन नहीं जाता, पर रात तो नहीं, जब जब ठंड लगती रहेगी। दोस्तों मुझे पता था कि रात को ये प्रॉब्लम आने वाली है कि वहां पे आप देख सकते हैं आग हमारी जो है वो कम टेम्परेचर के चलते बार बार बुझ रही है। तो ऐसे मैं थोड़ी लकड़ियां यहाँ पे मैं फाड़ देता हूँ, इसलिए कुल्हाड़ी भी साथ में लेके आया था। जुगाड़ी तो भाई तुम्हारा नंबर वन है। मैगी यहाँ पे बनके हो चुकी है तैयार। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, मैं जो ये मैगी है ना वो इसको ऐसे ही खाने वाला हूँ, मतलब इधर पे ही रखे रखूंगा इसको, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी आग कम कर दी तो मैगी हो जाएगी ठंडी। और आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी गर्म कैसे मुंह में लूंगा मैं लभी लभी, तो बता दूं यहाँ से खा रहा हूं मैं तो यहाँ से ठंडी हो जा रही है। खैर मैगी का टेस्ट थोड़ा चेक कर लेते हैं। अल्टीमेट मैगी बनी है दोस्तों। अब वैसे भी आप लोगों को पता ही है घर के बाहर रह के आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ मतलब कुछ भी बनाओ, कैसा भी बनाओ, आपको जो है वो हर बार टेस्टी लगता है। बस मैगी को थोड़ा मैं तोड़ना भूल गया, फिर मैगी जो काफी लंबी लंबी आ रही है। तो ये रही हमारी स्नो वाली मैगी। टाइम दोस्तों अभी लगभग रात के 10 बजने को आए हैं, एंड खाना पीना मैंने बड़ी देर का कंप्लीट कर लिया था। मैं और रजत बैठे थे एक्चुअली थोड़ी देर, ढेर सारी हमने बातें साथे की, और उसके बाद रजत बोल रहा था कि मुझे जाना एक्चुअली घर, क्योंकि भाई उसको कंफर्म नहीं है कि वो इस ठंड में सर्वाइव कर पाएगा भी या नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई एक बार एक काम कर जाओ, क्योंकि भाई जीने के लिए आपको पता है जल कितना जरूरी है। तो एक पानी का लोटा मैंने जो है वो कुल मिला के मुझे रजत को भेजना ही पड़ा, क्योंकि पानी यहाँ पे मैं गर्म नहीं कर सकता था। इसमें मैंने मैगी बनाई थी और मैगी की हालत आप देख लो भाई, पूरी की पूरी मैगी जो है वो चट कर गए हम दो लोग, ताकि तीन पैकेट हम लोगों ने बनाए थे। तो अभी दोस्तों टाइम है कुल मिला के सोने का, तो सभी के सभी लोग जो वो प्रे करिएगा कि आपका भाई जो वो अच्छी तरह से इग्लू में सोया रहे। इग्लू के अंदर का दोस्तों जो माहौल है वो तो मतलब कुल मिला के ऐसा रहता है ना, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इग्लू गर्म हो गया है अंदर से। इसके बीच में थोड़ी सी भी जो ठंड है वो नहीं लगती है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि देखो आपको पता है ना, जो ये बर्फ होती है हवा को आर पार नहीं आने जाने देती है। जब तक कि मैं बाहर आग सेक रहा था बैठ के, तब तक आप मानेंगे नहीं अगर मैं आगे आग सेकता हूं तो पीछे से मुझे ठंड लग रही थी। बट जब से दोस्तों मैं यहां पे बैठा
हुआ लगभग 10 मिनट से, पूरा आपको बता रजाई कंबल में एंड अपना पूरा बिस्तर वस्तर लेके अभी घुस गया हूँ। तो भाई यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी, हालांकि रात को लगे तो मुझे पता नहीं है। खैर दोस्तों अभी टाइम है सोने का। वैसे मुझे सही बताऊं तो नींद तो आज मेरे को नहीं लगता कि आने वाली है, क्योंकि ऐसे भी जो मेरी आदत है ना दोस्तों थोड़ी सी मतलब आप समझ सकते हैं एडिटिंग वेडिटिंग के चक्कर में बिगड़ी हुई है, तो 12-12 एक जो है वो लिटरली बच जाते हैं। टाइम दोस्तों अभी रात के लगभग 12:30 हो रहे हैं, और सही बताऊं तो जब भी मैं लाइट बंद कर रहा हूं तो मुझे ना ये वाला ऊपर वाला पूरा का पूरा सर्कल जो है ये पूरा मतलब ऐसे हार्ड वाली बर्फ का बना हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब गिर जाएगा, और ये गिरा तो सच में नुकसान जो वो काफी होने वाला है। तो बार बार मैं बल्ब को तो जला रहा हूँ। मेरा जो सारा है दोस्तों वो अभी फिलहाल एक ही सारा है कि बाहर ब्रोनी मेरा वेट कर रहा है, बार बार भौंक रहा है, ताकि उसे खाने के लिए जो मैंने अंडे थे बीच में बॉइल करके रखे उसमें से दोनों के दोनों अंडे दे दिए थे। और सही बताऊं तो कोई भी ऐसी हालात नहीं लग रही अभी कि नींद आ जाए, क्योंकि जब भी मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं ना भाई आप लोग मानेंगे नहीं, मतलब ये ऊपर बड़ा खौफनाक सा मंजर लग रहा है। खैर अभी थोड़ी देर फिर ट्राई करता हूँ सोने की, आई होप कि नींद पड़ जाए, नहीं तो भाई मूवीज देखते के पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। रात के लगभग अभी 1:30 बजे का हो रहा है, और थोड़ी देर मुझे नींद पड़ी थी, मैंने एक बड़ी स्टूपिड हरकत कर दी है, यहाँ पे ना अपने जूते रख दिए, इनकी स्मेल आ रही थी, और मेरा दरवाजा भाई ना जाने क्यों निकल के आ गया। ये पहले तो मैंने इसको ढीला करके लगाया था ताकि मैंने कहा ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहे, अभी इसको प्रॉपरली फिर से लगा देता हूँ और कोशिश करता हूँ सोने की। बल्ब को फिर मैं बदल बदल के कभी यहाँ रख रहा हूँ कभी वहां रख रहा हूँ, और अभी तक स्टिल उस चीज का डर लगा हुआ है, और वहां से पानी जो वो स्टिल टपक टपक के नीचे पड़ी जा रहा है। सच कहूं दोस्तों तो मुझे पता होता कि रात आज ऐसी आने वाली है ग्लू में तो कभी नहीं सोता मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ऊपर से पानी जो वो अपनी टपटपाहट शुरू हो चुकी है, कि मेरे को ना पूरी रजाई जो है मेरी देखो हर जगह पानी पानी गिरता जा रहा है, और हल्की हल्की बर्फ भी जो है वो भी ऊपर से गिर रही है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो हर जगह जो वो बर्फ ही बर्फ पड़ी है। ये समझ नहीं आ रहा कि मेरा दरवाजा क्यों बार बार निकल के आ जाता है यहाँ से। लग जा भाई लग जा, मिनट के बाद गिरती जा रही है दोस्तों। तो मैं जो दूसरा सराहना अपने साथ लाया था मैंने उसको ऐसे रख दिया है ताकि जो पानी है वो इसके ऊपर ही गिरता रहे, और अभी थोड़े से पेशेंस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा है। सुबह के टाइम पे ऐसा होता है कि अभी बर्फ जो है वो जो पिघल रही है ना वो थोड़ी एक आध घंटे में शायद 3 बजे तक जो है ना वो धीरे धीरे करके जमना शुरू हो जाती है। सुबह के टाइम पे ठंड बहुत बढ़ जाती है। आपकी बार दुआ कर रहा हूँ कि भाई नींद अच्छे से आ जाए, क्योंकि इग्लू में सारी रात ऐसे आंखें खोलने को मिलेंगी सही बताओ तो बिल्कुल सोचा नहीं था। और अभी हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है, आई डोंट नो इससे मेरा सर जो है वो यहाँ बर्फ के साथ लगा रहा इस वजह से या क्या हुआ, लेकिन हल्की हल्की ठंड सता रही है। तो अभी एक बार फिर से कोशिश करता हूँ सोने की। गुड नाइट दोस्तों।